मैंने जहाँ तक सुना है एमजे सर भी बहुत रोड ट्रिप्स करते हैं, उनकी रोड ट्रिप्स का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। तो एमजे सर, व्हाट डू यू सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाय हाय, आई लव रोड ट्रिप्स, चाहे वो जम्मू से कश्मीर हो, लद्दाख हो, पुणे हैदराबाद हो, पुणे मुंबई हो, पुणे नासिक हो, एंड देन आज हम लोग बिल्कुल 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 किए हुए हैं। And then today we are on our way back to Hyderabad. We are 400 kilometers away, and I'm just enjoying. आप इतने road trips कब से कर रहे हो और क्यों करते हो सर इतना? मैं बताऊं कुशल आपको, मैं पिछले 20-25 साल से road trips करता हूं, and I love road trips, and I'm sure आप लोगों में से भी बहुत लोग road trips करते होंगे, and road trips is very different. It teaches you a lot. It's like it's similar like life. कैसे? Life is a journey, and so are the road trips. आप देखेंगे, मैं बताऊं आपको, लाइफ में और रोड ट्रिप्स में अभी हम लोग 400 किलोमीटर दूर हैं हैदराबाद से। अभी जैसे ही आप अपने मन में सोचने लग जाएंगे, अरे कितनी जल्दी मैं हैदराबाद पहुंचूं, कितनी जल्दी मैं हैदराबाद पहुंचूं, यू मे नॉट एंजॉय अभी जो हम लोग खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, अभी हम लोग चाय पियेंगे, वो सारे मोमेंट्स को आप मिस कर जाएंगे जस्ट इन अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग हैदराबाद फास्टर, एंड सो इज़ लाइफ। आप कभी देखते होंगे या कभी सुनते होंगे कि जो लोग 60-65 साल के हो गए हैं, जो रिटायरमेंट हो गए हैं, वो फिर भी खुश नहीं, वो कहते हैं यार मैंने ज़िंदगी में सब कुछ किया बट मैं एक समाओ खुश नहीं हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैं, मतलब एवरीबडी इज़ इन अ रश, दीज काइंड ऑफ पीपल आर इन अ रश टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, सक्सेस में जल्दी जल्दी बढ़ना है, उनके दिमाग में सिर्फ गोल रहता है कैसे मैं गोल को अचीव करूँ। पेशेंस नहीं है उनके माइंड में इस तरह से आपको। हाँ, मतलब उनकी प्रायोरिटीज़ इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो भूल जाते हैं कि लाइफ इज़ ए जर्नी, जर्नी में हर एक माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर समय यू नीड टू एन्जॉय द जर्नी, यू नीड टू एन्जॉय एवरी स्मॉल बिट ऑफ द लाइफ। अभी आप पढ़ाई करेंगे तभी तो आप करियर बनाएंगे तभी आप पैसे कमाएंगे, बट हर समय आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मैं करोड़पति कब बनूंगा। यू विल मिस द स्ट्रगल, यू विल मिस द जर्नी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन लाइफ। तो रोड ट्रिप्स और लाइफ्स आर वेरी सिमिलर, एंड रोड ट्रिप्स हेल्प्स यू अ लॉट। यू नो, आप देखेंगे 3-4 कारें चल रही है, एक कार बार बार हॉर्न बजा रहा है, उसे इतनी जल्दी है कि उसे हैदराबाद पहुंचना ही है, जाना है 2 घंटे के अंदर पहुंच जाना है। सर, और कैसी कैसी सिमिलैरिटीज आपने नोटिस की है, देखी है अपने एक्सपीरियंस से, आप बताइए। एक दूसरी सिमिलैरिटी जो मुझे लगती है कुशल, वो ये है कि आप रोड ट्रिप्स कर रहे हैं, कभी कभी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट क्यों होता है? एक्सीडेंट या तो आपकी गलती के कारण से होती है कि आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव होता है, रैश ड्राइविंग होती है, रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक आपकी गलती होती है, और दूसरा एक्सीडेंट होता है जब आपकी गलती नहीं होती है, कोई और सामने से आकर के आपको ठोक करके चला गया और एक्सीडेंट हो गया। बट मैं आपको बताऊं, एक्सीडेंट में नुकसान दोनों का है, जो दो लोग ठोकर खा रहे हैं उन दोनों का इक्वल नुकसान है, एंड सो इज़ लाइफ। लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप ही गलती करें और आप फेल हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके किसी एक्सटर्नल, किसी सामने वाले की गलती के कारण से आप फेल कर गए, किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण से फेल कर गए। आई थिंक मेरे हिसाब से रोड ट्रिप और लाइफ में जो एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि चाहे गलती किसी की भी रहे, आपको अपना नुकसान नहीं कराना है, तो आपको इतना अलर्ट रहना है, आपको इंटेलिजेंस इतना हाई रखना है कि आप हर समय अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को अच्छी तरह समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। और मुझे एक चीज़ जो और बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, वो ये लगती है कि जर्नी में पार्टनर्स, जर्नी में अच्छे दोस्तों का, जर्नी में अच्छे संगति का होना बहुत ज़रूरी है। आप समझो मैं और आप आज जर्नी कर रहे हैं, हम लोग किशोर दा के गाने सुन रहे हैं, लता जी के गाने सुन रहे हैं, हम लोग कुछ नए गाने सुन रहे हैं, हम लोग एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं। तो एक पार्टनर का होना लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है, दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लाइफ इज़ नॉट ए रैट रेस, एंड द विनर ऑफ ए रैट रेस स्टिल अ रैट, सो इट इज़ अप टू यू, यू नीड टू डिसाइड कि आपको लाइफ को रैट रेस बनाना है या लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना है। और यदि आपको एंजॉय करना है तो आपको अच्छे दोस्तों को बनाना पड़ेगा। जैसे रोड ट्रिप्स में आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, आप 300, 400, 500 किलोमीटर आप चला नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, मैंने करीब करीब 20 से 25 रोड ट्रिप्स किए जो 500 किलोमीटर से ऊपर है, और मैं रोड ट्रिप्स में दो चीज़ें बहुत ध्यान रखता हूं, एक मेरे साथ कौन आ रहा है और दूसरी मेरी कार कैसी है और रोड कैसा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप किन लोगों के साथ रोड ट्रिप में जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ आपकी सवारी कैसी है।
आप किस पर सवारी कर रहे हैं, आपका जो हम सफ़र है वो कार या बाइक आप जिस पर जा रहे हैं वो आपको कितना सहयोग करता है। आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट 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 गिव्स ए लॉट ऑफ लर्निंग्स, दैट गिव्स लॉट ऑफ पेशेंस। तो दोस्तों आपने सुना सर ने कितना ब्रीफली लाइफ को जर्नी के साथ रिलेट किया है और कितने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है कि किस तरह से जर्नी की इम्पॉर्टेंस है लाइफ में। सो मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है इससे, होपफुली आपको भी बहुत इससे सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी दोस्त आपके ट्रेवलिंग करते हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड मुझे बहुत मज़ा आया इस ब्लॉग में दोस्तों। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, डोंट ट्रबल योर मदर, गुड बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, सी यू गाइस, बाय बाय।